आपकी दोस्त आपकी नकल करे, इससे बुरा कुछ नहीं है। बस करो बेटी, शांत हो जाओ। कितना खूबसूरत दिन है, इतने अच्छे दिन पर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। शायद बस लूटे जाने के अलावा। अपना बैग मुझे दो, मदद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद भी नहीं थी और बेटी उसकी मदद करने आ गई। बैग, बेटी काफी बहादुर है। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। अब यहाँ से निकल जाओ चोर। वो हो, ये लो। हे भगवान, तुम बहुत बहादुर हो। ये लो ये कार्ड तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स। क्या तुम और मैं? ऐसा कभी सोचना भी मत। पर तुम इतनी आसानी से सिंडी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। बेटी की दोस्त बनने के लिए मुझे उस जैसा दिखना होगा, ठीक है? बस सिंडी को नई लुक की जरूरत है। ये ब्लाउज पहनकर देखो, ये तुम्हारे स्टाइल से मैच करता है। ओह नहीं, ये काफी क्यूट है। मुझे कुछ डार्क कलर का चाहिए। तो फिर ये ड्रेस ट्राई करो। ओह इतना भी डार्क नहीं। वाह ये टी शर्ट बढ़िया है, और इसके साथ एक लेदर स्कर्ट। तुम्हें क्या लगता है? ये बढ़िया है, पर इसमें कुछ कमी है। एक्सेसरीज, ब्लैक पोस और हरे बाल, बिल्कुल जैसा बेटी को पसंद है। ओह हाँ, बिल्कुल एक सख्त डॉल की तरह। ये बढ़िया है। दिल थाम कर बैठ जाइए, चलो अपने टेस्ट के रिजल्ट्स जाने। ये बुरी लड़की को पूरे ग्रेड मिले हैं। सिंडी भी खुश है। उप्स, पर बढ़िया ग्रेड मिलना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे इसे अभी ठीक करना होगा। खैर ये बढ़िया है। देखो मैं भी रिबेल हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हूँ। क्या वो सीरियस है? इस पढ़ाकू को क्या लगता है कि वो क्या कर रही है? सख्त लड़कियों को बॉक्सिंग पसंद होती है। हे, क्या तुम्हें ये बैलेट लगता है? जोर से मारो, पर बेटी के मुक्कों को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा हुक तुम्हें जगा देगा, मेरा अपरकट तुम्हें सुला देगा। वो हो, ये मैं जीत गई। इवॉल्व हार गया, और अब तुम्हारी बारी। यहाँ आ जाओ। ओह सिंडी पूरे जोश में है, और ये है तुम्हारा पार्टनर। क्या इस पहलवान से लड़ना है? मैं ऐसा कैसे करूंगी? अच्छा, शायद सिंडी को बॉक्सिंग से एलर्जी है, या ये उसकी चाल है। उसे मारकर गिरा दो। क्या वो मुझसे बात कर रही है? मुझे विश्वास नहीं होता। हे बेस्टी, वुप्स, लगता है वो जीत गई। हे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में बच्चों वाली हरकतें मत करो, ये तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करने का समय है। मेरी जीत सरप्राइज। ये टैटू बनवाना भी सख्त होने की निशानी है। वाओ, क्या मैं भी ये बनवा सकती हूँ? कोई बात नहीं, वैसे भी बेटी का काम हो ही गया है, तो हम शुरू करें। ओह ये मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना है। नहीं, ओह कितनी डरपोक है। कैंसिल करो, इस क्लाइंट को कुछ सिंपल की जरूरत है। कुछ मार्कर कैसे रहेंगे? हाँ ये बढ़िया है, और इससे दर्द भी नहीं होता, पर ये सुंदर है। हे भगवान, मैं बहुत कूल हूँ। चलो चले कूल लड़की। एक खाली दीवार, बेकार, बेटी इसे ठीक कर देगी। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ग्रेफिटी करना बहुत बहादुरी का काम है। हमारी प्रिंसिपल लूजर है। बढ़िया काम। हे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह नहीं, चुप करो सिंडी। क्या ये मैं भी कर सकती हूँ? ठीक है, ये लो पेंट। एक छोटे से फूल से कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? खासकर जब वो इतना सुंदर हो। ये तुम क्या कर रही हो यंग लेडी? उप्स, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ये गलत बात है, हमने ये एक साथ बनाया था। पर जो भी पकड़ा जाएगा उसी को दीवार साफ करनी होगी। रूल्स यही है। तुम ब्रेक में क्या करना चाहती हो? मेरे पास एक आइडिया है। देखो नट को गिराने में काफी मजा आता है। क्या हुआ? हाँ चलो क्लास में जाओ। ये अजीब है, लड़कियों चलो क्लास में जाओ। हाँ रुक जाओ, पहले
कोई अच्छी लड़की नट को गिराएगी। ये बिल्कुल सही रहेगा। रेडी सेट किक। हाँ बढ़िया, सामने देखकर चलो, बुक में नहीं। हे ये क्या था? पर जब बेटी वहाँ नहीं थी, सिंडी ने उसे उठाया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, माफ करना। मुझे कॉन्सर्ट में जाना पसंद है। के-पॉप शो के लिए एक टिकट दीजिए प्लीज। वाह, बेटी भी यहाँ है। रॉक ऑन। मुझे भी एक कॉन्सर्ट की टिकट देना, इसमें मजा आने वाला है। क्या एक रॉक कॉन्सर्ट? पर उसका क्या? ओ खैर, मेरी टिकट बदल दीजिए प्लीज। शायद मुझे भी रॉक पसंद है। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या पसंद है। और फिर समय हो गया, रॉक एंड रोल बेबी, यहाँ धूम मचा दो। वहीं दूसरी ओर सिंडी को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग इस पर नाच कैसे सकते हो? अच्छा है कि मेरे पास हेडफोन्स हैं। मैं अपने पसंदीदा के-पॉप के गाने सुन सकती हूँ। तो अब इसे कहते हैं म्यूजिक। ओह देखो, ये तो सिंडी है ना। मुझे पता नहीं था कि नर्ड्स को भी रॉक पसंद होता है। हाँ, वो सरप्राइजेस से भरी हुई है। आज रात तुम्हें कुछ बढ़िया करके दिखाना है। ओह एशली, हाय, तुमसे मिले काफी समय हो गया। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ओह वो कौन है? बेटी? वाओ, एक बेबी बम? वो सब कुछ करती कब है? खैर, मुझे लगता है इस कंबल से ही काम चलाना पड़ेगा। बेस्टीज एक जैसी लगनी चाहिए। ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। हाय गर्ल्स। ओप्स, बेटी तुम्हारा बेबी बम कहाँ है? तुम्हें लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या तुम पागल हो? तो वो बस तुम्हारे बैगनी पर छाई थी? हाँ, ये अजीब है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। ये लो। ओह हे भगवान, हमारी दोस्ती की निशानी। सच्चे दोस्त मूवी देखने साथ में जाते हैं। कितना मजेदार प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन बेटी थोड़ी बोर हो गई है, पर सिंडी नहीं। ये बहुत डरावना है। वो छोटे से खरगोश की तरह कांप रही है। प्रैंक करने के लिए सही मौका है। सिंडी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। नहीं, क्लाउंस नहीं। ओप्स, लगता है बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, शांत हो जाओ, ये बस एक मास्क है। तुम इतनी आसानी से कैसे डर जाती हो? सख्त लड़कियों को भी सुंदर दिखना पसंद है। ओह ये आई शेडो शानदार है, मेरा पसंदीदा कलर। हे पिंक क्यों? तुम्हें लगता है ये सख्त है? इसे कहते हैं सख्त मेकअप। डार्कर शेड्स बढ़िया होते हैं। ठीक है, चैलेंज मंजूर है। ये डार्क शेड्स भी अच्छे हैं। हालांकि सिंडी इनमें अच्छी नहीं लग रही, पर वो दोस्ती के लिए कुछ भी करेगी। खैर, रिजल्ट इतना भी खास नहीं है। ओह, ये तुमने क्या किया? ये किस तरह का मेकअप है? तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। अपना चेहरा मेरी तरफ करो। हो गया, अब इसे देखो। ओह वाओ, ये बढ़िया है। अब हम पार्टी में जा सकते हैं। इस कैफे का खाना लाजवाब है, लेकिन प्राइसेस इतने अच्छे नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, बेटी के पास प्लान बी है। एक रबर माउस? ये गंदा है। बेब, बस मुझे देखो और मुझे फॉलो करो। डेजर्ट में माउस डाल दो। वैसे क्या तुम अपने साथ कॉकरोच लाई हो? ओह कोई बात नहीं, बालों से भी काम हो जाएगा। और अब चलो वेटर को बुलाएं। ये सब क्या है? देखो हमारे खाने में क्या है, चूहा और बाल। ये कितना गंदा है। उप्स, लंच हमारी तरफ से है। ये ठीक है पर बिल्कुल नहीं, कम से कम अपनी टिप ले लो। खैर, अब हम मजे कर सकते हैं। ये सिंडी को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाने का समय है। हाय दोस्तों, लगता है वो उससे मिलकर खुश नहीं है। हे बेटी, ये जगह नर्ड्स के लिए नहीं है, उसकी जगह लाइब्रेरी में है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाह, हाँ, हमें बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्त? क्या तुमने दोस्त कहा? बेटी तुम सबसे अच्छी हो, तुम भी बुरी नहीं हो। हे, वो सब क्या था? क्या आपको हमारे फ्रेंडशिप स्केचेस पसंद आए? क्या आपके भी कुछ दोस्त है जो आपसे काफी अलग है? हमें उनके बारे में कमेंट्स में बताए। और ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
रुम रुम वाव पर अगली बार फिर से मिलते हैं।